गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आप सबका ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी में स्वागत है। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। प्लानिंग चैप्टर 4 प्लानिंग, इसमें 2 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्लानिंग के बारे में समझेंगे कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग मीनिंग ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्टिविटी। प्लानिंग क्या है? एक बौद्धिक प्रक्रिया है। जब भी कोई प्लान करता है तो अपने दिमाग से सोचता है, उसके बाद प्लान करता है, तो इसलिए इसको बौद्धिक प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्टिविटी, मतलब एक मेंटल एक्टिविटी से, है ना। इन सिंपल लैंग्वेज, एक सामान्य शब्दों में, सामान्य भाषा में प्लानिंग का मतलब क्या होता है? डिसाइडिंग इन एडवांस, पहले से निश्चित करना व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, हु इज टू डू, किसे करना है, एंड व्हेन टू डू इज प्लानिंग, कब करना है, क्या करना है, किसे करना है, कैसे करना है, कब करना है, इन बातों को पहले से ही डिसाइड कर लेना प्लानिंग कहलाता है। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा, उसका एक स्ट्रक्चर बना लिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग वर्क किया जाता है, उसी को ही प्लानिंग कहा जाता है, है ना। बहुत सारे वर्क होते हैं, उनके पहले जो बिजनेस के अंदर क्या होता है, प्लानिंग होती है, प्लानिंग के बाद उस वर्क को किया जाता है, ठीक है, तो उसको प्लानिंग कहा जाता है। तो सिंपल भाषा में प्लानिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, हु इज टू डू इट, किसे करना है, कौन व्यक्ति उस कार्य को करेगा, और व्हेन टू डू टू इज प्लानिंग, कब करना है, इन बातों का पहले से ही क्या कर लेना, डिसाइडेड करना क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है, है ना। मतलब किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार कर लेना, उसका एक स्ट्रक्चर बना लेना, उसका एक ढांचा बना लेना, उसी को क्या कहा जाता है, प्लानिंग कहा जाता है, है ना। अब प्लानिंग की विशेषता क्या है? एक प्लानिंग के बारे में आप भी जानते हैं, आप भी अपने वर्क के लिए पहले से कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं, है ना, और उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो जब कोई प्लानिंग करता है, बिजनेस के अंदर प्लानिंग जब की जाती है, तो उसकी विशेषता क्या, एक प्लानिंग की विशेषता क्या है, समझना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग की विशेषता क्या है, है ना। चॉइस मेकिंग एक्टिविटी है ये, मतलब चॉइस मेकिंग एक्टिविटीज का मतलब ये है, किसी भी कार्य को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं, एक वर्क को कई प्रकार से किया जा सकता है, अब उसका सही तरीका कौन सा है, उसमें कम से कम खर्च में अच्छे से अच्छा वर्क किस प्रकार से हो सकता है, वो चॉइस इसके अंदर होती है। मतलब ये प्रकार से चॉइस मेकिंग एक्टिविटीज है, इसके अंदर नियोजन प्लानिंग में देखा जाता है कि कम से कम समय में अच्छे से अच्छे वर्क किस प्रकार से हो सकता है, वो ऑप्शन को हम चुने। किसी भी कार्य को करने के अनेक प्रकार के तरीके होते हैं, उसका सही तरीका एक प्लानिंग के जरिए चूज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सल एक्टिविटीज, एक ये सर्वव्यापक एक्टिविटीज है, जरूरी के बिजनेस में ही हो, है ना। अपने जो पर्सनल लाइफ होती है, चाहे वो सामाजिक वर्क हो, चाहे वो राजनीतिक कार्य हो, सभी में प्लानिंग की आवश्यकता होती है। सिर्फ ऐसा नहीं कि बिजनेस में ही प्लानिंग करनी पड़ती है ना। जो घर के काम होते हैं, है ना, अपने पर्सनल वर्क होते हैं, और उसके बाद जो सोशल वर्क होता है, सामाजिक जो प्रोग्राम जो होते हैं, सभी में प्लानिंग की आवश्यकता होती है। उसके बाद क्या है, मेंटल एक्टिविटीज, थर्ड वाला पॉइंट क्या है, मेंटल एक्टिविटीज, इसकी ये विशेषता है, प्लानिंग की विशेषता है कि एक मेंटल एक्टिविटीज है। मतलब प्लानिंग करने के लिए किसी भी प्रकार के इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, कि उसके अंदर जो है कि किसी औजार वगैरह या फिर किसी इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी या टूल्स की आवश्यकता होगी, नहीं, ये माइंड से बनाई जाती है ना, इसलिए मेंटल एक्टिविटीज होती है। उसके बाद क्या है, कंटिन्यूस एक्टिविटीज, एक कंटिन्यू एक्टिविटीज, ऐसा नहीं कि एक बार प्लानिंग करने के बाद बार बार प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी, एक वर्क की प्लानिंग करने के बाद दूसरे वर्क की प्लानिंग करनी पड़ती है ना, वो प्लानिंग खत्म हो जाती, वो वर्क पूरा हो जाता, अगले कार्य के लिए, अगले वर्क के लिए फिर से प्लानिंग करनी पड़ती है ना, तो एक प्रकार से कंटिन्यूस एक्टिविटीज होती है। उसके बाद है बेसिक फंक्शंस, मतलब जो प्लानिंग है ये मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन होता है, प्रथम कार्य होता है, याद रखना
ये जो फर्स्ट वर्क जो है मैनेजमेंट में हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े थे, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आया था वो प्लानिंग का था। ठीक है, तो ये जो मैनेजमेंट का पहला कार्य होता है, प्रथम वर्क होता है, इसकी ये विशेषता है। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप अच्छे से लर्न कर लेना, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मैटर है ये, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो ये चॉइस मेकिंग एक्टिविटीज, यूनिवर्सल एक्टिविटीज, मेंटल एक्टिविटीज और कंटिन्यूस एक्टिविटीज और बेसिक फंक्शंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैटर है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के उद्देश्य क्या है, प्लानिंग क्यों की जाती है, मैटर सबसे पहले उस मैटर को, मुख्य पॉइंट को आप समझना, मुख्य बिंदु को आप समझना कि वो क्या है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग की प्लानिंग के क्या उद्देश्य है, प्लानिंग क्यों की जाती है, ये तो इसकी क्या होगी विशेषता होगी कि इसमें ये क्या क्या है, एक प्रकार से मेकिंग एक्टिविटीज है, यूनिवर्सल मेंटल एक्टिविटीज है, कंटिन्यूस एक्टिविटीज, बेसिक फंक्शंस है। ठीक है, अब ये जब किया जाता है क्यों किया जाता है, इसके कारण क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इससे क्या फायदा मिलता है। ठीक है, सबसे पहला है प्रोवाइड्स डायरेक्शंस, दिशा निर्देश होते हैं इससे, मतलब प्लानिंग जब बना ली जाती है एक जो बिजनेस के अंदर जो मैनेजर होते हैं, जो संचालक और जो डायरेक्टर्स जो होते हैं, वो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जो कार्य का जो बिजनेस के अंदर आगे क्या करना है, भविष्य में फ्यूचर में क्या करना है, उसकी प्लानिंग बना लेते हैं, है ना। और उसके बाद वो वर्क अपने जो अधीनस्थ जो वर्कर होते हैं उनको प्लानिंग सौंप देते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। तो जो कर्मचारी होते हैं, जो अधीनस्थ जो कर्मचारी जो होते हैं, उनको ये डायरेक्शन मिलता है कि हमें आगे क्या करना है ना। तो एक दिशा निर्देश मिलता है उनको, डायरेक्शन मिलता है कि क्या करना है, किस प्रकार से करना है, इस वर्क को कौन करेगा, है ना, इसकी एक दिशा निर्देश, एक जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन। ये जो प्लानिंग है ये वर्क के लिए, कार्य के लिए आवश्यक इंफॉर्मेशन देता रहता है, मतलब बिजनेस के अंदर जो कि मान लो कि कुछ एक महीने की या दो महीने की प्लानिंग बनाई है और बीच में यदि कोई इंफॉर्मेशन की आवश्यकता हो तो प्लानिंग किस प्रकार की थी हमारी, उस प्रकार की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और इससे ये भी पता चलता है कि प्लानिंग के अनुसार वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी इससे मिल जाती है, क्योंकि इसमें जो प्लानिंग बनाई जाती है और जो एक्चुअल वर्क होता है उसका कंपैरिजन भी किया जाता है और देखा जाता है कि प्लानिंग के अनुसार वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो प्रोवाइड्स नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, आवश्यक जानकारी प्लानिंग से मिल जाती है ना। जो मैनेजर होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, उनको आवश्यक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है प्लानिंग से। रिड्यूस अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितता कम हो जाती है कि फ्यूचर में क्या करना है, उसके लिए पहले से ही सभी बातों को निश्चित कर लिया जाता है कि क्या करना है, क्यों करना, कब करना, किसे करना है, है ना, सारी बातों को पहले से निश्चित कर लिया जाता है। तो उसमें जो फ्यूचर में क्या करना है वो पहले से निश्चित कर लिया जाता है, उसमें अनिश्चितताएं जो होती है वो कम हो जाती है, अनिश्चितताएं जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, अनसर्टेनिटीज रिड्यूस अनसर्टेनिटीज हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का मतलब क्या है, पूर्वानुमान। फोरकास्टिंग को क्या कहा जाता है, पूर्वानुमान लगाना। जो प्लानिंग है वो फोरकास्टिंग पर ही टिका हुआ है, प्लानिंग का जो वर्क है वो फोरकास्टिंग पर ही टिका हुआ है, इसका ये पूर्वानुमान के बिना कोई भी प्लानिंग नहीं बनाई जा सकती है। किसी भी वर्क के लिए जब प्लानिंग बनाई जाती है तो पहले उसके बारे में पूर्वानुमान लगाना पड़ता है, अनुमान लगाना पड़ता है कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, है ना, क्या क्या हो सकता है, पहले से अनुमान लगा लिया जाता है और उसके बाद एक प्लानिंग बनाई जाती है। तो ये पूर्वानुमान पर आधारित होती है, पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर जो है कि प्लानिंग बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्शन एंड कंट्रोल, डायरेक्शन एंड कंट्रोल मतलब ये जो दिशा निर्देश देता है और कंट्रोलिंग भी करता है, मतलब इसमें जो वर्क होता है उस पर क्या होता है, कंट्रोल होता है, डायरेक्शन दिशा निर्देश मिलता है, कंट्रोल होता है कैसे होता है, क्योंकि प्लानिंग के अकॉर्डिंग वर्क किया जाता है और कुछ देर बाद या कुछ समय बाद या कुछ दिन बाद ये देखा जाता है कि हमारा जो वर्क है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। हो रहा है तो कोई बात नहीं, उस वर्क को चलने दिया जाता है प्लानिंग के अकॉर्डिंग, और नहीं हो रहा है तो उसके कारण क्या है, वो वर्क प्लानिंग के अनुसार क्यों नहीं हो रहा है, उसके कारणों का पता लगाकर उन्हें फिर सुधारा जाता है, है ना, इस उद्देश्य से प्लानिंग की जाती है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव है, प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव है, प्रोवाइड इज
प्रोवाइड्स डायरेक्शंस, प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन देता है। ये इसकी जो ऑब्जेक्टिव है, रिड्यूस अनसर्टेनिटीज और फोरकास्टिंग और डायरेक्शन एंड कंट्रोल, ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्टिव है। और ये इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।